15 अगस्त 1947, स्वाधीन भारत की पहली सुबह। हर देशवासी उत्साहित था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने आजादी की पहली भोर नहीं देखी। स्वतंत्रता का उज्जवल प्रभात और शान से लहराता तिरंगा नहीं देखा। वे थे स्वतंत्रता सेनानी देश रत्न पंडित शील भद्रिया जी। पंडित शील भद्रिया जी, जिनका जन्म 22 मार्च 1906 बिहार स्थित बख्तियारपुर के एक किसान परिवार में शिव टहल याजी और रेशमा याजी के यहाँ उस भूमि पर हुआ जिसे गौतम बुद्ध की कर्मस्थली कहा जाता है। अपनी माता को 10 वर्ष की उम्र में ही खो चुके शील भद्र बचपन से ही मातृभूमि को समर्पित हो गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से मिडिल तक की पढ़ाई बख्तियारपुर से और मैट्रिक बाड़ इंग्लिश स्कूल और बाद की पढ़ाई बीएन कॉलेज से हुई। जब वो पढ़ाई पढ़ते थे तो 17-18 बरस की उम्र से उनके देश के प्रति भीषण अथी था, ये था। और जब गांधी जी बिहार में आए, गांधी जी तो बड़े बड़े जो उस समय के नेता थे, जैसे अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह, ये सब लोग का घूम घूम करके जो उस समय के अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे थे, उन लोग से मिले और सब लोग उसमें आजादी के लड़ाई के लिए जुड़े। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से वे प्रभावित हो 1922 में उन्होंने गांधी जी और मौलाना शौकत अली को बख्तियारपुर आमंत्रित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने के बाद वे बख्तियारपुर थाना कमेटी के अध्यक्ष बने। उसके बाद अनेक स्वतंत्रता संबंधित संगठनों से जुड़कर वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए। प्रारंभिक दिनों की बात करें तो 1926 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के संपर्क में आए। स्वामी सहजानंद सरस्वती जमींदारी उन्मूलन के लिए किसान सभा बनाकर और उसके तहत वो काम कर रहे थे, तो हमारे पिताजी भी स्वामी जी के साथ किसान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जमींदारी उन्मूलन को ही लेके, बड़े लोगों से जमीन लेके गरीब लोगों में बांटी जाए, स्वामी सहजानंद सरस्वती का काफी बड़ा योगदान रहा है पिताजी को इस जमीन लाने का। या जी किसानों को नसीहा थे और सहजानंद आने पर और उनको विशेष जागृति हुई और उन्हीं के साथ बराबर जहाँ भी किसानों का अथी होता था वहाँ बराबर सहजानंद उनके साथ रहते थे। 1928 भगत सिंह की नौजवान भारत सभा में शामिल हुए। वे हर उस पार्टी के साथ थे जो देश के हित में काम करती हो। शील भद्र जी पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए जीते थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बख्तियारपुर से हुए सत्याग्रह का बाद में मुख्य संचालन पटना स्थित नसीमन हाउस से हुआ। एरिया में घूम घूम कर उन्होंने पूरा अलख जगाया था स्वतंत्रता सेनानियों का, और इस अगल बगल यहाँ जो नमक सत्याग्रह जो था, यहाँ के भी लोग नमक सत्याग्रह में पूरा जोर शोर से भाग लिया था। सभी लोगों के दरवाजे पर चरखा काटा जाता था। 1930 में शील भद्र जी पहली बार गिरफ्तार हुए। पटना के फुलवारी शरीफ कैंप जेल में 7.5 महीने का ये पहला पीड़ादायक अनुभव, जिसमें तेल निकालने के काम में उन्हें बैल की जगह जोता जाता और 20 सेर गेहूं की पिसाई करवाई जाती। तब वहीं उन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया।
जेल यात्राओं का ये सिलसिला जो यहां से शुरू हुआ वो देश के आजाद होने के बाद ही थमा। नजरबंदी, गिरफ्तारी, कारावास जीवन के पर्याय बन गए। इसी दौरान 1936 में उनका विवाह बालकेश्वरी देवी से हुआ, जिनका योगदान भी इस संग्राम में कम न था। उन्होंने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली और शील जी को पूरी तरह देश को समर्पित होने का मार्ग आसान कर दिया। माँ को तो बहुत खुशी होती थी कि देश की आजादी के लिए ये काम कर रहे हैं, बहुत खुश रहती थी। याजी जी एमएलए चुने गए। ये कांग्रेस का मंच था। सुभाष चंद्र बोस की कार्यप्रणाली से प्रभावित हो याजी जी उनके दिखाए मार्ग पर चल पड़े। उनका विश्वास था कि बाहर से ही हम लोग मदद करके हिंदुस्तान को आजाद कराएंगे, इसलिए सुभाष चंद्र जी के साथ रहे, वहां गए, काफी उनको कठिनाई झेलना पड़ा। बात 16 जनवरी 1941 की है, जब सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए भारत भूमि को छोड़ दिया। तब याजी जी हजारीबाग जेल से आजाद हुए थे। हजारीबाग जेल से पहले वर्ष की सजा पूरा कर अपने से 42 के अप्रैल में हजारीबाग जेल से निकलकर कार्य संभाला, क्योंकि मैं नेताजी जब प्रेसिडेंट थे तो मैं वाइस प्रेसिडेंट था, इसलिए अखिल भारतीय फौज ब्लॉक का मैं उसमें अध्यक्ष हुआ, और जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो पास हुआ, मैं चूँकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का भी मेम्बर था, लेकिन जेल से निकलने के बाद ही भारत सरकार ने हम पर वारंट निकाल दिया। वारंट निकालने के बाद हमको एक्सपेंडर घोषित कर दिया, और घोषित करने के बाद 25,000 इनाम जो है हमारे सर के ऊपर रखा कि जो उनको मृत या जीवित पकड़ के लाएगा उसको 25,000 का इनाम मिलेगा। लेकिन उस हालत में भी मैं अगस्त में 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ग्वालियर टैंक में सन्यासी बनकर और बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर मैं अटेंड किया, और वो जो 9 अगस्त का जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें मैंने वोट किया सन्यासी होकर। अंग्रेजी सरकार ने तार बेतार के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तब सुभाष जी ने याजी जी के लिए पनडुब्बी भेजी। नेताजी ने हमको इसलिए बुलाया था कि जब आजादी फौज कलकत्ता पहुंच जाएगी तो आपको क्या करना है। 7.5 दिन की जल यात्रा कर वे सुभाष चंद्र बोस से मिले और 3 घंटे की मुलाकात कर पुनः पनडुब्बी द्वारा 7.5 दिन की जल यात्रा कर वापस भारत पहुंचे। तो मैं सिंगापुर में इन संदेश को लेकर के फिर सम्मेलन से यहाँ आया, और जितने लोग फरार थे हमारे गुरु सानी गुरु जी रोहिया जी सबसे मिल करके मुगला सरकार हमारे सब लोगों से मिलकर हमने नेताजी का संदेशा लिया कि ये संदेशा है कि आज़ाद हिंद फौज को किस तरह से रेगुलर जब कलकत्ता जब यही तो उनका विचार था कि जनरल आर्मी में रिवोल्ट हो जाएगा और ब्रिटिश साम्राज्यवाद खत्म हो जाएगा। सिंगापुर की यात्रा संपन्न होते ही अंग्रेजी हुकूमत के कान खड़े हो गए। अंग्रेज को किसी ने शिकायत कर दी कि शेख बद्र याजी जी यहाँ से हिंदुस्तान से सिंगापुर गए हैं, वहाँ सुभाष चंद्र बोस को मिले हैं, और मिलने के बाद वहाँ से वापस फिर इंडिया आ गए हैं, और यहाँ पर जो वहाँ मलाया पर इंडियन नेशनल आर्मी बनकर लड़ रही थी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, उसके यहाँ कॉन्टैक्ट्स नेताजी के साथ उनके थे यहाँ इंडिया में, वो वहाँ की बात यहाँ अपने देशभक्तों के पास पहुँचाते थे। जो आज हम लोगों ने जो अगस्त क्रांति में आज़ाद हिंद फौज को जो मदद दी, इसके फल लिए जो बॉम्बे में जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमको पकड़ा, उसके बाद हमको लाल किले में दिल्ली में लाकर हमारा कोर्ट मार्शल किया 6 महीने के लिए। तो कोर्ट जो मार्शल हुआ उसमें हमको इतना टॉर्चर करते थे, पीड़ा देते थे कि हम बेहोश हो जाते थे। इसके बाद हमको यहाँ का जो जो मिलिट्री में जो पालन में जो मिलिट्री कंटोनमेंट है
में जो हॉस्पिटल है वहाँ लाते थे, फिर होता से यहाँ लाते थे। तो इस तरह से 126 पाउंड से हम 62 पाउंड हो गए, फिर प्रलेप हो गए। इनको बर्फ़ पर सुला के अंग्रेजी शासन का जो अगुआ था, माने प्रशासक, ये पूछता था कि सुभाष कहाँ है बताओ। और इनके देह में मैं देखा हूँ कि अनेकों जगह सिगरेट से दागा हुआ है। और किसी ने महात्मा गांधी जी को आगा खान पैलेस में चिट्ठी ली थी कि याजी जी की बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उनका कोर्ट मार्शल में, क्योंकि सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं होता है, मेरा आज़ाद हिंद फौज से समन दे कर करके, और जो ये इतना टॉर्चर किया और तीन बार कमांडर इन चीफ जो अपने लेख हमसे मिलने के लिए आया, तो उनका था कि ये इसको, उनका कहना था कि आपको इस जो नारकीय सेल है इसमें मरना है। लेकिन गांधी जी के इंटरवेंशन की वजह से जो दखल, जो उन्होंने तीन खत लिखे, उसकी वजह से हमारी जान बची। और मार्शल में तो उनके पास कोई सबूत नहीं थे, जितने जो नेताजी ने हमारे नाम डॉक्यूमेंट पर भेजते थे वो लोग सब मार दिए गए थे, सब उड़ा दिए गए थे। तो इसलिए उनके पास तो कोई सबूत है, संदिग्ध गवाह नहीं हुआ, तो हमारे सिर्फ कोर्ट मार्शल में तो हम रिहा हो गए। और हमको वहाँ से फिर लाल किला से फिर हमको अरबला जेल, फिर अहमदनगर में भीसापुर में रखा, फिर नासिक में रखा, आठोलर में रखा। याजी जी की जिंदगी, उनके प्राण महात्मा गांधी के प्रयासों से ही बच सके, वरना वो ब्रिटिश आर्मी तो उनको ख़त्म ही कर देती। ये उनके जीवन की एक विशेष घटना कि सिविलियन पर कोर्ट मार्शल शायद नहीं हुआ होगा संसार में, जो याजी जी के साथ ब्रिटिश फौजों ने किया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे पहला कोर्ट मार्शल लाल किला में जो हुआ था, वो पहला आदमी है जो जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के राज को रखा और देश में झंडा को ऊंचा किया। 1945 में मुंगेर में पकड़े गए और बेगूसराय जेल भेज दिए गए। ये जनवरी 1946 में रिहा हुए। बंबई में भारतीय नौ सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काने के जुर्म में ये फिर गिरफ्तार हुए और बंबई के आर्थर रोड जेल में रखे गए। और फिर नेवी में भी हमको अरेस्ट किया, क्योंकि नेवी में भी हम उनके साथ थे। इसलिए हमारी जो रिहाई हुई, देश जब आज़ाद हो गया 15 अगस्त, तो 9 बजे रात को हमको बम्बई में जब दीपक चला तो ब्रिटिश साम्राज्य बच चला गया, तो मैं जेल से छुटा। जब आज़ादी मिली तो इन्होंने जो आज़ादी की पहली सुबह है वो भी नहीं देख पाई है, वो भी ये आज़ाद नहीं थे उस दिन भी, उस दिन भी इनको कैद में रखा गया, लेकिन अगली सुबह उन्होंने देखी आज़ादी की। ये कुल जमा 7 वर्ष 26 दिन जेल में काट चुके थे और 2.5 साल भूमिगत रहे। देश की आज़ादी के बाद भी वे रुके नहीं, देश और समाज के प्रति काम में लगे रहे। हम तो आज़ादी के बाद पैदा लिए, उसके बाद पिताजी के सानिध्य में आए, बहुत कम देखने का मौका उनको मिलता था, आते थे घर पे चले जाते थे, ज़्यादातर उनका समय ट्रेन यात्राएं में जाता था, कहीं भी जाते थे वो होटल में नहीं ठहरते थे, उनके हर जगह आदमी थे, उनके घर पर ही ठहरते, सादा खाना खाना, अपने हाथ से कपड़ा धोना, कभी कपड़े में प्रेस नहीं करना, तकिए के नीचे कपड़े को फोल्ड करके रख देते थे। तो सादगी और सच्चाई, उनके साथ रहने में हमको ये सब चीज़ बहुत सीखने का मौका मिला। विदेश के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। पंडित नेहरू से वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। स्वामी सहजानंद के साथ अखिल भारतीय संयुक्त वामपंथी मोर्चा पार्टी का गठन किया, जिसमें 18 दलों का समावेश था। उन्होंने मूल्यों से परे जीना नहीं सीखा। तिलभद्र याजी जी मजदूर एवं किसान दोनों के लिए से जुड़े हुए थे, दोनों के
ये हमेशा उन्होंने आवाज उठाया था। पूर्व में तो वे फॉरवर्ड ब्लॉक के थे, लेकिन बाद में फिर कांग्रेस में भी आ गए थे। 1955 में पंडित नेहरू के समाजवाद के सिद्धांत को स्वीकारने पर वे पुनः कांग्रेस में शामिल हुए, किंतु पदासीन नहीं। नेहरू जी कहते थे कि ऐसे आदमी को आप भेज दिए, मैं श्री कृष्ण बाबू को के बारे में कि उनको कोई भी पद देते हैं तो पद देने के लेने के तैयार नहीं। उनका काम था, वो कहते थे कि हमको हमारा काम बाहर में रह करके और देशद्रोही करना है, हमको कुर्सी पर बैठना नहीं। अपने आप को उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे लड़ाई लड़नी है, पद नहीं लेनी है, इसलिए अच्छे अच्छे पदों को उन्होंने त्याग दिया। 1937 में डॉक्टर सिन्हा के सामने उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी कोई मंत्री पद ग्रहण नहीं करेंगे। जब देश आजाद हो गया और ये सब बड़े बड़े आदमी इधर चले गए, तो दो व्यक्ति ऐसे थे, चौधरी रणवीर सिंह और शील भद्र याजी। याजी जी के अंदर भी ये एक चीज़ थी कि भाई मैं साथ लेके चलूं। वो बजाय उसके के गद्दियों पर जाके बैठते या उन्हीं के चिपते रहते, यहाँ आए, उन्होंने हमारे स्वतंत्र सेनानियों को इकट्ठा किया, बताया, जिनको मदद देनी थी, मदद करनी थी, उनकी मदद की। तो काम करने का तो उनका बड़ा अच्छा तरीका था, कभी तो कोई उन्हें थी ही नहीं। गरीब, दुखी और दलितों की मदद के लिए वे सदा तत्पर थे। मेरे स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय रंगा जी और स्वर्गीय याजी जी तीनों घनिष्ठ मित्र थे और तीनों देशभक्त थे। तो उनकी बातें जब सुनते थे, जो उन जिस हिसाब से उनको कहते थे कि देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका बड़ा भारी योगदान रहा और बाद में पार्लियामेंट में बड़ा भारी योगदान रहा, तो वो कई दफ़ा ये महसूस करते थे कि जो उनका सपनों का भारत था वो अभी नहीं बन पाया है। तो इसी प्रयास में उन्हें सारा जीवन रहा कि भाई आम आदमी के लिए हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, हमारे देश में कोई बगैर वस्त्र के नहीं रहना चाहिए, हमारे देश में कोई बगैर छत के नहीं रहना चाहिए, ये उनकी सोच थी। वो बहुत सीधे, सरल, देश सेवक, प्रेमी और किसी का दुख नहीं देख सकते थे। अगर देश पे आपत्ति आती है तो सबसे आगे अग्रसर रहते थे। आज जिसको देखो वो पैसे के पीछे पड़ा है, अपना आलीशान घर बनाने की होड़ में लगा है, जबकि शील भद्र जी जो थे उनके पास तो अपना घर जो था वो उन्होंने लोगों की हेल्प करने के लिए दे दिया, खुद जो है वो ऑफिस में एक खोया करते थे, उनको घर का शौक नहीं था। उनको किस चीज़ का शौक था? उनको सिर्फ एक शौक था कि हम आज़ाद सांस ले सकें, हम अपने मन की इच्छाओं को, जो मनुष्य की सेवा का की इच्छा थी, उसको हम आज़ादी से कर सकें। बलिदान की महत्ता का वे सम्मान करते थे, इसीलिए 26,000 INA के शहीदों की पवित्र स्मृति को जीवंत रखने के लिए मणिपुर स्थित मोइरांग में उन्होंने एक स्मारक बनवाने के कार्य में सहयोग किया। सत्यवक्ता शील भद्र जी ने असत्य व भ्रष्ट तथ्यों को कभी नहीं सराहा और इस बात को सत्यापित करता है RP जैन केस। मैंने सुना है उनके बारे में अपने ससुर जी से, जो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने एक घटना का जिक्र किया और मुझे लगा शायद वे पहले व्यक्ति थे भारतीय क्रांतिकारियों या स्वतंत्रता सेनानियों में जिन्होंने वास्तव में राजनीति में भ्रष्टाचार विरोधी शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने एक मुकदमा दायर किया था जब वे राज्यसभा की सीट हार गए थे एक व्यक्ति के विरुद्ध, और उन्होंने केस जीत भी लिया, और मुकदमा था उस व्यक्ति द्वारा MP खरीदे जाने का। इसका मतलब है जो भ्रष्टाचार हम आज देखते हैं वो तब शुरू हो चुका था, वो वहां था, और पंडित जी वो पहले व्यक्ति थे जो इसके विरुद्ध लड़े, और मुझे लगता है वो पहले थे। 1972 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे, 15 साल तक राज्यसभा में रहे, वो भी अपने बल पर
बड़े बड़े पूंजीपति उनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, उनको हरा करके उन्होंने राजनीति अपना राज्यसभा में 15 साल बिताए और काफ़ी ज़ोर शोर से आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, पीड़ितों की, शोषितों की आवाज़ उठाते थे। राष्ट्रवाद होते हुए भी गरीबों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन भर लड़ते रहे। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन का गठन भी एक कहानी है कि जब हिंद आजाद हुआ, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी हुए, तो जवाहरलाल जी के समय में एक मैंने सभा का आयोजन किया गया था, उसमें संगीत सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी भी पधारे हुए थे। जब उनका बारी आया कुछ कहने का तो वो एक गीत गाई थी। गीत का बोल था, ए वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। ये आवाज़ पंडित शील भद्रिया जी के कान में गया। उन्होंने उसी समय यह तय कर लिया कि हम भी देश के जो आज़ाद किए हैं, आज़ाद करने में जिनका भी योगदान रहा है, उन लोगों का हम एक संगठन बना करके हैं और उसका ही करेंगे। साथ जंतर मंतर नई दिल्ली के छोटे से कमरे में रहकर वहीं से याजी जी आजीवन स्वतंत्रता सेनानी संगठन का कार्य करते रहे। याजी जी जो है पेंशन उन्होंने कराई, एक इनके साथ और थे XMP, ये दो आदमी थे जिन्होंने इंदिरा जी से मिल करके, और जब 25वां वर्ष हुआ आज़ादी का तब ये पेंशन 72 में शुरू करवाई। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के माध्यम से इन लोगों का समय काफ़ी लगा पेंशन दिलाने में, करीब 5-6 वर्ष के बाद स्वतंत्रता सेनानियों को एक सुख सुविधा मिली और इन्हीं लोगों के प्रयास से आगे पेंशन में भी वृद्धि हुई। स्वास्थ्य संबंधी जो भी तकलीफ होती थी उसको भी भारत सरकार से राहत दिलाने में एवं अन्य सुविधाओं में अंत तक प्रयासरत रहे। उनके साथ बहुत मौका मिला हमारे को जाने का, हिंदुस्तान में तकरीबन हर प्रदेश में उन्होंने जो है स्वतंत्र सेनानियों इस संगठन में जो है सम्मेलन आयोजित किए, उसमें उनको मान सम्मानित किया सारे देश के स्वतंत्र सेनानियों ने और काफ़ी उनसे सीखने को मिला। शील भद्र याजी जी की मुलाकात फिल्माते समय हमें एक महान राष्ट्र नेता का दर्शन हुआ था। शील भद्र जी जितने प्रखर देशभक्त थे उतने ही सादे और मिलनसार इंसान थे। ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन के अध्यक्ष होते हुए भी उन्होंने अपने लिए अलग से रहने का इंतजाम न करते हुए दफ्तर में ही एक जगह रहना पसंद किया था। मुलाकात के दरमियान तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चाय बना करके हम लोगों पी। शील भद्र जी से महान, निस्वार्थ और प्रसिद्धि से दूर रहने वाले नेताओं के बदौलत ही हम लोग आज स्वाधीनता का आनंद ले रहे हैं। वे सहज सरल व्यक्ति थे, सादे, सदैव खादी पहनने वाले, बहुभाषी, मराठी, मणिपुरी, तमिल, बांग्ला और असमिया के साथ रूसी व अन्य विदेशी भाषाएं भी जानते थे। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं, जैसे अ ग्लिम्स ऑफ द इंडियन लेबर मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड, इज सोशलिज्म अ नेसेसिटी टू इंडिया, द ट्रू फेस ऑफ अमेरिकन मोनोपोलीज इन डेमोक्रेसी, अमेरिकन अब्रॉड CIA manipulating arms of the US foreign policy, CIA activities in India and third world, or CIA ka aatank. Ve yatraen bahut karte the. Shil Bhadriya ji videshon ki bhi yatra ki thi, jin mein maniye shri Neelam Sanjeev Reddy ke sath Rus ki tatha Captain SS Yadav ke sath Japan ki yatra ki thi। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका, नेपाल, मंगोलिया, बर्मा, मलाया इत्यादि देशों की यात्रा की।
1967 के बाद से अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वे रेलवे मजदूरों के नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन पोर्टर्स एंड वेंडर्स के अध्यक्ष रहे। हिंदुस्तान में एक बार मैं उनके साथ ट्रेन में गया तो मेरे को पता नहीं था, तो जब स्टेशन पर रुकी तो वहाँ सैकड़ों लाल वर्दी पहनते कुली वो इकट्ठे हुए और याजी जी के नारे लगाने लगे। जब मेरे को पता लगा पूरे हिंदुस्तान में उस वर्ग का वो नेतृत्व कर रहे थे, उनकी समस्याओं को बार बार उठा रहे थे। सुविधाओं के लिए रेलवे पास दिल के बारे में बोली, मेडिकल कार्ड के बारे में बोली, फैमिली पास के लिए बोली, बच्चों के पढ़ने के लिए रेलवे से मांग किए, वो सब हम लोग के लिए दिलाने की कोशिश बहुत से किए। कुली भेंडर बेहरा के लिए बहुत सा प्रस्ताव हम लोग के लिए बीच में रखे और पूरा भी हुआ, पूरा भी कराइन। इनका जीवन कर्म को समर्पित था, मातृभूमि के सच्चे सपूत। January 28, 1996 की दोपहर को इस दीपक की ज्योति देश समाज को अपनी रोशनी देते हुए भौतिक देह को त्याग कर अलौकिक दिव्यता को प्राप्त हो गई। शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया और वे एक से अनेक हो गए। January 28, 2001 इनकी स्मृति को जीवंत रखने के लिए इनका एक डाक टिकट जारी किया। याजी जी जो आदर्श दे गए, जो निर्देशन दे गए, जो उनका काम करने का तरीका था, वो हम लोगों को सदैव प्रेरित रखेगा। आजाद भारत का कण कण आज भी उनका ऋणी है। आज फिर से युग को जरूरत है पंडित शील भद्र याजी के मूल्यों की। वे जीवित हैं हर भारतीय में, आजादी की हर सांस में, तिरंगे की शान में, पंडित शील भद्र याजी।